Hello guys, welcome to my channel. Let's solve some problems with tricks for competitive exams. So here we need to find out square root of 5 to the power 24. So 5 to the power 4, 24, we need to find out square root. We know square root implies half, power to the power half. So we'll write 24 into 1 by 2. Same thing, you can write it like this. So now we have just cancel out 2 1 za 2, 2 to the 4. So the answer is 5 to the power 12 B. नेक्स्ट अगर हम लोग को ढूंढना है 111 पांच बार होल स्क्वायर तो कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग काउंट करेंगे कितना वन है, 1 2 3 4 5 वंस, तो हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 को स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करके फिर से 5 से 1 तक लिखेंगे 5 4 3 2 1, और हम लोग का आंसर यही होगा, तो आंसर है ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखे रखा है रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 529 इज इक्वल टू 16 बाई 23, आपको ढूंढना है x का वैल्यू, तो कैसे करेंगे। तो पहले तो डिनोमिनेटर में जो है 23 इसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद घटाएंगे इस न्यूमरेटर का स्क्वायर को, तो क्या होगा 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, और 16 का स्क्वायर होता है 256, और इसको हम लोग अगर घटाएंगे तो कितना होगा 7 4 माइनस 273 C। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब 23, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 5 इसका स्क्वायर है, अगर यहाँ पे इसका स्क्वायर है जो डिनोमिनेटर में होगा तभी ये ट्रिक काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको देखे रखा है रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई 16 इज इक्वल टू 3 बाई 4, आपको ढूंढना है x का वैल्यू, ये और ये क्वेश्चन सेम है। सो पहले हम लोग क्या चेक करना होगा, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर यहाँ पे है कि नहीं, हाँ है 16, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 16 माइनस 9, आंसर होगा 7 ऑप्शन ए। हम लोग को ढूंढना है प्राइम फैक्टर्स, और ये हम लोग को दिया है, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं 6 to the power 10 into 7 to the power 11 into 11 to the power 27, उसके बाद 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3, 7 को हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ 1 into 7, और 11 को 1 into 11, तो हम लोग को जो आगे का है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 को कंसीडर करेंगे, इसको 1, इसमें 1 को, इसमें 1 को, तो 2 क्या करेंगे, ये 2 को कंसीडर करके इस पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 2 प्लस इसमें 1 इनटू 17 प्लस 1 इनटू 27, क्या होगा 20 प्लस 17 प्लस 27, इन सबको ऐड करने से क्या मिलेगा हम लोग को 2 3 4 5 6 64, तो आंसर है ए 64। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह फाइंड द वंस प्लेस इन 120 टू द पावर 173, वंस प्लेस मतलब लास्ट डिजिट ढूंढना है, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे पहले तो लिख लेते 122 टू द पावर 173, पहले हम लोग को देखना है इसका पावर 4 से ज़्यादा है या कम, अगर 4 से ज़्यादा है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 173 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा 4 4 = 16, 7 - 6 = 113, 4 3 = 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, अभी क्या करने का, ये जो रिमाइंडर बचेगा उसका पावर कर लेना पड़ेगा, 121 टू द पावर 1 होगा, तो आंसर कितना होगा 121 ही होगा, तो लास्ट डिजिट पूछा है लास्ट डिजिट होगा 2, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके जैसा ही है सेम क्वेश्चन सेम टाइप, तो क्या करेंगे हम लोग पहले ये तो देख लेंगे 4 से ज़्यादा है कि नहीं, हाँ 4 से ज़्यादा है तो उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना मिलेगा 4 4 = 16, रिमाइंडर 1 होगा, तो अभी क्या करेंगे 17 का पावर लेंगे 1 का, तो कितना 17 ही होगा, और लास्ट डिजिट पूछा है वंस प्लेस 7, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई रूट ओवर 72 प्लस रूट ओवर 72 प्लस रूट ओवर 72 इन्फिनिटी तक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो 72 का फैक्टर हम लोग निकाल लेंगे कितना होगा 8 into 9, और ऐसा फैक्टर निकालना होगा जिसका डिफरेंस 1 हो, 9 माइनस
एट कितना हो रहा है डिफरेंस वन, ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो सिर्फ हम लोग को यही देखना है कौन सा बड़ा है, नाइन बड़ा है तो आंसर आपका नाइन होगा। तो आंसर ऑप्शन सी नाइन। नेक्स्ट हम लोग को सिंप्लीफाई करना है इसको, रूट ओवर एट प्लस रूट ओवर 57 प्लस रूट ओवर 38 प्लस रूट ओवर 108 प्लस रूट ओवर 169। देखने के लिए बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन इतना हार्ड नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, वो पहले हम लोग को लिखना होगा वन रूट ओवर 169 का स्क्वायर कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 13। तो यहाँ पे 13 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है 108, 108 इसको ऐड करेंगे कितना होगा 11 टू 121। अभी हम लोग को क्या करना है 121 का स्क्वायर रूट लेना है, कितना होता है 11, यहाँ पे 11 लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 38। तो इन दोनों का भी ऐड करेंगे कितना होगा 9449। अभी क्या करना है 49 को स्क्वायर रूट करना है, कितना होगा 7। ठीक है अभी 7 यहाँ पे लिख लिया, फिर बाकी है 57, यहाँ पे 57 को अभी ऐड करेंगे कितना होगा 64। अभी क्या करना होगा 64 का स्क्वायर रूट लेना होगा, कितना होगा 8। अब यहाँ पे कितना है लास्ट में 8, अभी 8 को ऐड करेंगे कितना होगा 16। फिर लास्ट में क्या करना है 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4। तो 4 हम लोग का आंसर है ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।